नसरीन नीलम मुनीर पाकिस्तान की एक खूबसूरत अदाकारा हैं, जो कि अपनी एक्टिंग की बजाय अपने स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से खबरों में रहती हैं। कभी अपने खुफिया अफेयर्स को लेकर तो कभी अपने फाहश डांस और कंट्रोवर्शियल बयानात की वजह से। आज के वीडियो में हम आपको नीलम मुनीर की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर वन, नीलम मुनीर 20 मार्च 1992 को सवात में पैदा हुए, लेकिन नीलम की पैदाइश के बाद उनकी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई और नीलम वहीं पर पली बढ़ी। नीलम ने अपने स्कूल तक की पढ़ाई कराची से ही हासिल की। नंबर टू, नीलम का ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है, जहां लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होती थी। अम्मी ने हम पे बहुत मेहनत की। अच्छा। और मेहनत के साथ सख्ती भी बहुत रखी है। ये जो मेरी बहनों का नहीं आना जाना है बाहर, या मैं नहीं जाती हूँ तो बिल्कुल भी मुझे इजाजत नहीं है, तो अम्मी की वजह से। और अम्मी ने हमें इसका यूज टू कर दिया बचपन से ही कि यू आर नॉट अलाउड। नीलम के अलावा उनकी तीन बहनें हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो पर्दे में रहना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि नीलम ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी बड़ी बहन की शादी थी तो उनकी बहनों ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि उनकी कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना हो। हम चार बहनें, वो लोग आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब मेरी बहन की शादी थी तो कहने गए कि हमारी पिक्चर्स नहीं लगाना बिल्कुल, हमें सोशल अच्छा। मीडिया पे नहीं जाना है। अच्छा। तो उनको इतना पसंद नहीं है, लाइक पसंद एंजॉय करते हैं टीवी देखना, लेकिन लोगों से मिलना आना जाना खुद नहीं पसंद है अपने लिए। तो माशाल्लाह दो मैरिड हैं। अच्छा। फिर मैं हूँ और मेरे बाद एक छोटी बहन। नंबर थ्री, नीलम अभी सिर्फ 3 साल की ही थी जब उनके फादर की डेथ हो गई और उसके बाद उनकी मदर ने अकेले ही परवरिश की। अबू जो है उनका अपना बिजनेस था वहाँ पे, जमींदार और इस तरह की सारी चीजें जो पठानों में होता है। अब्बा की डेथ हो गई लॉन्ग टाइम बैक, जब मैं 3 साल की थी। अम्मी का बुटीक था पहले, जब मेरे फादर थे तो साथ ही वो लोग कर रहे थे उसे। अच्छा। तो भाई मैं, और फिर जब अब्बा की डेथ हो गई तो अम्मी अबू, जाहिर है अब्बा के बाद अम्मी को यहाँ वापस आना पड़ा। फिर हम लोग साथ रहते थे, फिर अम्मी कपड़े बनाती थी, अम्मी के अपने क्लाइंट्स थे बहुत सारे। अच्छा। हाँ जी, तो बस उसी से सब होता है। नीलम को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था और शोबिस की चकाचौंध दुनिया से बहुत मुतासिर होती थी, और इसी वजह से वो पढ़ाई पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाई। स्कूल में बहुत अच्छी थी, बट एट टाइम्स आके फिर मैंने कहा कि जब मेरी छुट्टियां होने लगी कमर्शियल्स की वजह से, तो फिर मेरी परफेक्ट की भी होती थी जो कि यू नो फिर किसी और को दे दी जिसकी अटेंडेंस ज्यादा होती थी। नंबर फोर, नीलम अभी सिर्फ 9वीं जमात में ही थी जब उन्हें एक एड का ऑफर आया, लेकिन जब उन्होंने घर वालों से बात की तो उनकी वालिदा ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि एक तो पहले ही उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और दूसरा उनका कोई बड़ा भाई भी नहीं था जो उनका ख्याल रखता। इस वजह से उनकी मदर अपनी बेटियों के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, लेकिन नीलम ने जिद करके अपने घर वालों को मना लिया। और फिर जब वो शूटिंग पर जाती तो या तो उनकी मदर उनके साथ जाती या फिर उनके फूफा जी ड्रामा के सेट पर मौजूद रहते। मैं क्लास 9 में थी जब मैंने पहला कमर्शियल किया था। तो एज अ पर्सन मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी कि शायद मुझे दुनिया में बहुत कुछ देखना था और सीखना था, तो इसीलिए हर चीज़ की ना यू नो यू सी के स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल मिलती गई बनती हैं चीज़ें। और इंडस्ट्री का मुझे ये फ़ायदा हुआ ना कि कोई ना कोई घर से साथ जा सकता था, कभी मम्मी चली गई, कभी मेरे पापा हैं वो मेरे साथ सेट पे चले जाते थे, तो फिर सारा एटमॉस्फेयर देख के अब नाउ दे आर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। नंबर फाइव, टीवी एड्स और कमर्शियल से ही शोहरत मिलने के बाद नीलम को ड्रामास के ऑफर्स आने लगे, लेकिन ड्रामास में काम करने से उनकी मदर ने फिर से मना कर दिया। उनका कहना था कि स्टूडियो में जाकर काम नहीं करना, लेकिन नीलम को अपने पहले ही ड्रामा की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने जिद करके अपनी माँ को मना लिया। उनका पहला ड्रामा था थोड़ा सा आसमां, जो कि PTV पर ऑन एयर हुआ था। कर रही थी, फिर मुझे ड्रामा की ऑफर आई तो मैंने मम्मी को बताया, तो कहने के नहीं नहीं हमें स्टूडियोज में नहीं जाना, और ये इस तरह से सारी बात थी। फिर
जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मैंने कहा कि नहीं ये तो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ, तो मुझे आता है, तो मेरे अंदर है, तो मैंने फिर कहा कि प्लीज़ मुझे करने दें, प्लीज़ मुझे करने दें, प्लीज़ मुझे करने दें। और फिर पहला प्ले कौन सा किया? मैंने किया था काजिम पाशा के साथ था, थोड़ा सा आसमान। उसके बाद नीलम ने मेरे सुबह का सितारा, आंख मचोली, शहरे दिल के दरवाजे, जलपरी और दिल मोम का दिया समेत कई सुपरहिट ड्रामों में काम किया। नंबर 6, 2010 में नीलम मुनीर ने अपना फिल्मी सफर भी शुरू किया, जब वो एक टैली फिल्म अच्छे की लड़की में नजर आईं। ये फिल्म हम टीवी पर ऑन एयर हुई, जहां लोगों को उनकी एक्टिंग काफी पसंद आई। 2017 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था छुपन छुपाई। इस फिल्म में वो एहसन खान के साथ नजर आईं। इस फिल्म की कामयाबी के बाद ही नीलम को अबरारुल हक के मशहूर गाने ऐथे रख में भी कास्ट कर लिया गया। नंबर 7, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म छुपन छुपाई की शूटिंग के दौरान ही नीलम और एहसन खान के दरमियान अफेयर शुरू हो गया था और दोनों खुफिया तौर पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि एहसन खान उस वक्त शादीशुदा थे। कई मरतबा दबे अल्फाज में दोनों ने इस बात का इजहार भी किया। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि नीलम मुनीर किस एक्टर के साथ शादी करना चाहेंगी, तो उनका जवाब था एहसन खान। अच्छा, इफ नीलम हैड टू मैरी समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, हु वुड शी मैरी? इंडस्ट्री? हां, व्हाई इंडस्ट्री? हाइपोथेटिकली एक्टर्स में से? हां, इंडस्ट्री में एक्टर का कोई भी? हां, ऑब्वियसली। एहसन खान? सब कुछ नीलम है, शादी नीलम से करनी है, बेस्ट नीलम है। यार आप समझ गए, देखे मोमिन आप तो काफी इंटेलिजेंट है। नंबर 8, नीलम मुनीर अक्सर ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं। खास तौर पर उनका एक गाड़ी में बैठकर डांस करना काफी मशहूर हुआ और इसी डांस की वजह से उन्हें दुनिया भर में शोहरत मिली। और अगर ये कहा जाए कि इसी डांस के बाद नीलम का करियर चलना शुरू हुआ तो गलत ना होगा। इसी डांस को नीलम ने अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए भी यूज किया, जब वो एक यूनिवर्सिटी में एहसन खान के साथ डांस करते हुए नजर आईं। खान एंड और हम लोग इस वक्त कहाँ पे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और बहुत मजा आया हमें यहाँ पे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि हमारी फिल्म आ रही है 29 दिसंबर। फिल्म का नाम है छुपन छुपाई। कुछ अरसा पहले एक खबर ये भी मशहूर हुई कि नीलम मुनीर ने खुफिया तौर पर इमरान खान के साथ शादी कर रखी है, लेकिन बाद में नीलम ने खुद ही इस बात की तरदीद कर दी। तो नासरीन अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।